कहीं पार कर दो तो निकालने में मुश्किल होगी। अब यहाँ जमा है इमरान खान का खिताब सुनने के लिए। मैं मुख्तसर दो तीन बातें करने के लिए हाजिर हुआ हूँ इस तारीखी पिंडाल में। मैं दो तारीखी हवाले देना चाहता हूँ और एक तारीखी फैसला चाहता हूँ। संजीदगी से सुनोगे तो खामोशी अख्तियार करके मेरी बात आज जोर से सुनो और पल्ले बांधो। ये वो पिंडाल है जहां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को दावत दी थी 1940 में। आप तो
मुझे भूख लगी मुझे लगी और पाकिस्तान गरम होते हैं ना और ठाक वाली मैं एक नई साजिश जो करी जा रही है मैं आवाज
इस्लामाबाद में एक नई साजिश तैयार की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में एक साजिश खड़ी जा रही है। फॉरेन फंडिंग का केस मुरतब किया गया है। तहरीके इंसाफ में जितने सवाल उठाए गए उनका मुकम्मल जवाब दिया, सबूतों के साथ जवाब दिया, जितने ट्यूमर मुतमईन किया। कमाल है, हनीफ अब्बासी केस में अदालत उज़्मा कहती है कि सबका एहतसाब होना चाहिए। क्या तहरीके इंसाफ से हिसाब मांगते हो? क्या पीपल्स पार्टी को हिसाब नहीं देना? हम हिसाब देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा दामन साफ है, हमारी नीयत साफ है, हमारा दामन साफ है। ये नहीं हो सकता कि यकसुई और यकतरफा आप हिसाब तरीके इंसाफ से मांगे। ये क्यों कर रहे हैं? और मैं ये बताना चाहता हूं, इन्होंने फैसला किया है और ये आज तुमने फैसला कल क्यों सुनाए? इनका इरादा है, सुन लो लाहौरियों, लाहौर जिंदा दिलावे लाहौर सुन लो। इन्होंने फैसला किया है कि एक नई साजिश के जरिए ये इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं, ये तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। क्या तुम इसकी इजाजत दोगे? क्या साजिश को कामयाब होने दोगे? आप देख रहे हो, कहते हैं तबाह कर दिया इमरान को, अकेला इमरान दीवार से लगा दिया। सारी जमाते यकजा, सारा माफिया यकजा। हाँ, यकजा तो हो गए, लेकिन आओ अकल के अंधो, ये मजमा देखो, क्या तुम्हें इमरान तन्हा दिखाई दे रहा? फैसला करने दो। तो दोस्तों, खान से पहले तुम्हारा देखता हूं कितना हौसला तुम में बाकी है। तीन नारों का जवाब दे दो तो पता चल जाएगा थक गए हो या तैयार हो। शुक्रिया भी बोलूंगा के बावजूद कि आप बीमार हैं, लेकिन आप फिर भी इमरान खान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में यहां तशरीफ लाए हैं। जनाब अताउल्लाह खान ईसा,
पे तशरीफ लाए हैं स्पीकर केपी के असेंबली और कायम मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब मुश्ताक गनी। हम वेलकम कहते हैं जी मुश्ताक गनी साहब को, वेलकम कहते हैं। और यहाँ पे उनके साथ इस्लामाबाद की आन, इस्लामाबाद की शान और हमारे सबका एमएनए इस्लामाबाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन के सदर मोहतरम जनाब अली नवाज अवान साहब, जो कि ये जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पे तशरीफ लाए हैं इमरान खान के टाइगर मोहतरम जनाब राजा खुरम नवाज। और खान का खिताब सुनने के लिए इस्लामाबाद तैयार हो, जोश है, जज्बा है, तैयार है, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान। लाहौर, एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको कि इंतजार की घड़िया अब खत्म। अपने अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें और बताएं दुनिया को कि जिंदा कौम है, किस तरह से अपने अजीम लीडर अजीम कायद का। आप भी अपने मोबाइल्स की लाइट्स ऑन करें प्लीज। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान को सिर्फ एक ही लीडर मिला है और उसका नाम है इमरान खान। ये वो तारीखी मकाम था 1940 में जब कायदे आजम की क्यादत में पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की गई थी और आज इसी मकाम पर मीनारे पाकिस्तान लाहौर पर इमरान खान की क्यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर की जाएगी। वो लीडर जिसने अक्वाम आलम में नामूस से रसालत नबी आखर जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मुकदमा लड़ा, जिसने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की वो जो अपनी कौम के साथ डट के खड़ा है और इंशाल्लाह अब से चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाना है। मेरे साथ मिलके जनाब फखरे पाकिस्तान इमरान आप मुझे
यूज नहीं करेंगे। मैंने कभी इतने बड़े जलसे के सामने खिताब नहीं किया, आप सबका शुक्रिया। माशाल्लाह, अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं कि उसने आपके दिल में वो शऊर डाला, आपको जगाया। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का खास करम होता है जब वो एक कौम को जगा देता है और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और मुझे बचपन से एहसास था। ये आपने आज गौर से बातें सुन, सामने प्लीज बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठ जाओ, वो नहीं देख सकते, नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए, सामने बैठ जाए, वो देख नहीं सकते, बैठ जाओ प्लीज। मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं, मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में शिरकत की थी और बचपन से उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तुम खुशकिस्मत हो के एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। और मैंने जब क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर अपने मुल्क का नाम ऊपर किया और हमारा पाकिस्तान आहिस्ता 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 क्रिकेट की दुनिया में ऊपर जाना शुरू हुआ तो हमें फख्र होता था कि हम वो पाकिस्तानी हैं जो एक आजाद पाकिस्तान को दुनिया में उठा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, लाहौर के लोगों, जो आप सब यहां हैं, जो बाहर हैं, वैसे मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी, आप जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं बड़े गौर से आज मेरी, क्योंकि मैंने आज आपको लाए मल देना है कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। और ये अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है, जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है, ये होती है सिलेक्टेड हुकूमत, जो डरती है इलेक्शन से, जो साजिश से, जो पैसे लगा के जमीन खरीद के बाहर, जो साम्राज उनकी जूते पॉलिश करके जो आज ऊपर हमारे मुल्क पे मसलत की गई है। तो मैं आज आपको लायमल दूंगा कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। और मैं अभी आपको लायमल देता हूं, लेकिन उससे पहले यह साजिश क्यों हुई मेरे लाहौर के लोगों, जरा सा सबर से सुने, यह साजिश हुई क्यों। मैं जब से वजीर आजम बना, मेरी सबसे बड़ी कोशिश यह थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब यह कि हम जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात फादात के लिए करें। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं, मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हो।
ये भी फैसला किया जब जिस दिन मैं वज़ीर-ए-आज़म बना कि मैं इंटरनेशनल फोरम में एक बात उठाऊंगा कि जो इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशंस में उठाऊंगा, ओआईसी में उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को, डेढ़ अरब मुसलमानों को ये तकलीफ देते थे, वो भी पसंद नहीं आई, वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज उनको क्या नहीं पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी चाइना से, रशिया से, मुसलमान ममालिक से, मेरी सबसे बड़ी कोशिशें होती थी कि मेरी कौम को किस में फायदा है। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। हुक्म किया कि रूस क्यों चले गए, हुक्म आया बाहर से कि आप रूस क्यों गए, मैं रूस इसलिए गया एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था। लेकिन दो और चीजें, रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था, तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। उसके अलावा हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से, उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मुफादात के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए है और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए है। ये भी पसंद नहीं आई बात, चाइना से ताल्लुक वो भी पसंद नहीं आए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखे कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हो। मीर जाफर वो गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके मुसलमानों की हुकूमत, सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई जाति मफादात के लिए, और मीर सादिक वो था निजाम हैदराबाद के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ मिलके टीपू सुल्तान को इन्होंने हरवाया। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर बैठे हुए थे जिन्होंने बाहर की साजिश में पूरा हिस्सा लिया। क्या हुआ, अच्छा सुना जरा, हो जाएगा ठीक। तो ये साजिश बाहर से हुई, अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे, अंदर 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, इन्होंने इनके साथ मिले, और भी इसके अंदर लोग मुलव्वस थे, और तारीख इन सारों को किसी को माफ नहीं करेगी जिन्होंने मिलके एक हुकूमत को कब गिराया
मेरे पाकिस्तानियों ये सुने, हमारी हुकूमत को तब गिराया जब हमारी हुकूमत की, और मैं चैलेंज करता हूं, सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी। हमारी इकोनॉमी सही तरफ जा रही थी, 5.6% पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी। ना नून लीग ने इसका कभी मुकाबला किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया। हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी, कभी पाकिस्तान की तारीख में अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। कभी पाकिस्तान में इतने बाहर से डॉलर्स नहीं आए, 31 अरब डॉलर रेमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमें भेजी, 31 अरब डॉलर। हम जब हुकूमत में आए थे 19 अरब डॉलर थी, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा हमने इकट्ठा किया टैक्स में, 6,000 अरब डॉलर से ऊपर। यह भी पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड था। हमने सबसे सारे बड़े सगीर में, जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी वो पाकिस्तान था, सबको पीछे छोड़ गए हम। और ये कब, जब कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई हुई थी। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी दुनिया ने मिसाल दी कि उस मुल्क जिसने सबसे बेहतर कोरोना वायरस को हैंडल किया, अपने लोग भी बचाए, अपने गरीब भी बचाए, अपनी इकोनॉमी भी बचाई। और अपने किसानों को, लाहौर के लोगों सुनो, हमने अपने किसानों को कैसे फायदा पहुंचाया। शुगर माफिया जो किसानों को कीमत पूरी नहीं देता था, टाइम पे पैसे नहीं देता था, क्योंकि सारे ताकतवर सियासतदान दोनों पार्टीज में शुगर माफिया का हिस्सा थे, हमने आके शुगर माफिया का मुकाबला किया, किसानों को पैसे दिलवाए ठीक टाइम पे, और उनको कीमत सही मिली, उन्होंने अपनी जमीन पर लगाया। और पाकिस्तान की तारीख में, 5 फसलों में की तारीख में सबसे ज्यादा पैदावार पाकिस्तान की तारीख में एक पिछले साल हमने किया। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार, मकई की रिकॉर्ड पैदावार, आलू की रिकॉर्ड पैदावार, चावल की रिकॉर्ड पैदावार, ये हमारे दौर में हुआ। जब दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही रास्ते पर निकल गई है और जिस रास्ते पर जा रही है, IMF की गुलामी से आजाद होने जा रही थी, तब इन्होंने हमारी हुकूमत को साजिश करके गिराया। पहले हुकूमतें गिरती थी, 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिरी, 2 दफा नवाज शरीफ की 90 की दिहाई में। जब भी गिरी करप्शन पे गिरी। मैं चैलेंज करता हूं, बताएं कि क्या इमरान खान ने कोई लंदन में फ्लैट लिए, कोई फैक्ट्रियां लगाई? मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशा खाना से इसने कोई चीजें ली। जरा लाहौरियों जरा सुनो, तोशा खाना है क्या, समझो पहले ये क्या है। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था, और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। मेरा जो घर है
कानून के मुताबिक उसको कैंप ऑफिस बना के सारे खर्चे हुकूमत देती है, यानी आप देते हैं टैक्स, आप टैक्स पेयर उसका पैसा सारा देता है। मैं अपने खर्चे देता हूं, मैं कोई ना लाहौर का घर ना वहां कैंप ऑफिस नहीं किया, अपने पैसे से वो चलाया। जो दीवार नीचे बनानी थी सिक्योरिटी फेंस, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए, अपना ऑफिस चलाया, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। और ये लोग जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारे एक एक, मैं चैलेंज करता हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर इतना कम पैसा खर्च नहीं किया जो मैंने किया। चैलेंज करता हूं।